देहरा भाजपा ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के गुलेर से नंदपुर को जोड़ने वाले पुल के लिए नाबार्ड से 11 करोड़ के लगभग राशि स्वीकृत करवाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हमीरपुर के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और देहरा के पूर्व विधायक रविंद्र रवि का धन्यवाद किया। इस पर बोलते हुए मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह, जिला महामंत्री जगदीप डडवाल तथा भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि इस पुल को बजट उपलब्ध करवाने के लिए देहरा के तत्कालीन विधायक रविंद्र रवि ने वर्ष 2013 से ही प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसके तहत 9 अप्रैल 2013 को पुल बनने वाली जगह की जमीन जांची गई तथा 17 अगस्त 2013 को पुल का ब्रीफ नोट तैयार किया गया। उसके बाद 2014-15 में रविंद्र रवि ने अपनी विधायक प्राथमिकता में इस पुल को डालकर DPR बनाने सहित आगामी कार्रवाई शुरू करवा दी थी। डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि रवि ने ये योजना तब विधायक प्राथमिकता में डाली थी जब ये जो आज इसका श्रेय ले रहे हैं, तब वे 2014-15 में विधायक बनने के सपने देख रहे थे। डॉक्टर सुकृत ने बताया कि विधायक प्राथमिकता में डालने के बाद 19 अप्रैल 2017 को इस पुल के लिए हाइड्रोलिक डाटा तैयार किया गया, जिसके बाद 24 जून 2017 को प्रपोजल ड्रॉइंग बनाई गई। प्रपोजल ड्राइंग भी रविंद्र रवि ने ही बनवाई और जब 30 अक्टूबर 2017 को इसकी जियोटेक्निकल रिपोर्ट बनी तब भी रविंद्र सिंह रवि ही देहरा के विधायक थे। डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि उसके बाद 2018 में जब रवि विधायक नहीं रहे तो 2018 से 19 तक इसकी प्रक्रिया काफी धीमी हो गई, लेकिन उसके बाद 2019 में जब देहरा की जनता ने एक स्थानीय नेता के विरोध में बावजूद भी अनुराग को भारी मतों से जीत दिलवाई और अनुराग वित्त राज्य मंत्री बने, जिससे नाबार्ड से पैसा स्वीकृत करवाना आसान हो गया क्योंकि नाबार्ड वित्त मंत्रालय के अधीन ही आता है और रवि उन्हें निवेदन पर अनुराग ने नाबार्ड से 10 करोड़ के लगभग राशि स्वीकृत करवाकर देहरा की जनता को ये सौगात दी। अनुराग का केंद्र में वित्त मंत्री होने का सबसे बड़ा लाभ देहरा की जनता को मिला है। डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि ये सारे तथ्य साबित करते हैं कि देहरा के विधायक नंदनाला पुल मामले में जनता से झूठ बोल रहे और झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देहरा की जनता समझदार है, हर बात को जानती है। भाजपा देहरा ने इसके साथ सभी कागजात उपलब्ध करवाए। इसी चीज को दर्शाता है, ये वो MLA प्रॉपर्टी है जो रवि जी ने डाली थी। इसको अगर आप, मैं ये सारे सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये देखिए, ये है वो विधायक प्राथमिकता 2014-15 की। विधायक प्राथमिकता कोई भी इंटरनेट से निकाल के देख सकता है। 26 नंबर पे 2014-15 की विधायक प्राथमिकता के 26 नंबर पे देहरा के गुलेर नंदपुर सड़क पर नंदनाला के ऊपर पुल का निर्माण, ये रवि जी की 26 नंबर में 2014-15 की विधायक प्राथमिकता में कोई भी देख सकता है। रवि जी की 2014-15 की विधायक प्राथमिकता में ये सारी की सारी इस पुल को बनाने की योजना जो है वो डाली गई थी। जिसके उपरांत 6 जून 2015 को इस पुल के हाइड्रोलिक डाटा तैयार करने के लिए कहा गया अधिकारियों से। 2015 में भी रवि जी विधायक थे। जिसके उपरांत ये हाइड्रोलिक रिपोर्ट 2015 में उसके बाद तैयार कर ली गई। 11 अगस्त 2015 की ये हाइड्रोलिक रिपोर्ट है, इसमें सारी की सारी जानकारियां दी गई हैं। उसके बाद 14 जुलाई 2016 को एक टेक्निकल टीम का गठन हुआ और टीम ने जो एक रिपोर्ट तैयार की, टीम ने मौके पे जो साइट है 14 जुलाई 2016 को लोक निर्माण विभाग की एक टीम मौके पे जाती है जहां पे ये पुल बनना था। 2016 में भी हमारे रवि जी ही विधायक थे और उस पुल, उस टीम ने इंस्पेक्शन किया और एक रिपोर्ट तैयार की और 14 जुलाई 2016 को ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो SC महोदय को, एक्शन महोदय से SC महोदय को फॉरवर्ड कर दी गई। जिसके बाद SC महोदय का इंस्पेक्शन पे रिप्लाई आया जिसपे उन्होंने फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा और उसके बाद 19 अप्रैल 2017 में जो है वो प्रपोजल ड्राइंग बनाई गई इस पूरे के पूरे ब्रिज की, और वो प्रपोजल ड्राइंग जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देहरा द्वारा सुब SC नूरपुर को भेज दी गई। जिसके उपरांत 24 अप्रैल 2017 को प्रपोजल ड्राइंग चेक की गई। चेक करने के बाद साइट जो है पुल की, उसकी फिजिबिलिटी पाई गई, वो साइट फिजिबल पाई गई, उसका सर्टिफिकेट दे दिया गया 24 जून 2017 को, उस समय हमारे रवि जी विधायक थे, तथा
उसके बाद जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई, जो कि ये वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग रिपोर्ट है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट है, ये 30 अक्टूबर 2017 को जो है वो अधिकारियों को दे दिया गया।